Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a very important theorem which is theorem of parallel axis and then the theorem of perpendicular axis. So let's start the video. The theorem of parallel axis ये कहता है कि अगर हम कोई एक body ले लें, suppose करिए ये एक body है और इसका ये center of mass है, suppose C, और एक एक्सिस यहाँ से पास कर रही है. तो अगर हम इसके पैरेलल कोई एक एक्सिस ले लें, सपोज़ ए बी, और इसको मान लेते हैं, इसको ओ ही मान लेते हैं, ओ, और ये सी और डी. तो इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया यानी आई ए बी इक्वल होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्शिया प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी. सपोज़ टोटल मास इस बॉडी का m है, सो m इंटू ए स्क्वायर, एंड ए इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस. और ये पैरेलल लाइंस हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे यहाँ है, हम चाहे तो इधर ले लें या फिर इस साइड ले लें, कहीं भी. तो ये स्टेटमेंट है एक तरह से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का, कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेंटर ऑफ मास के पैरेलल एक्सिस के अबाउट इनर्सिया इक्वल होती है आई सी एम यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्सिया, एंड देन प्लस मास ऑफ द होल बॉडी इंटू स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दैट इज ए स्क्वायर. सो इसी को हमें प्रूव करना है. तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे एक मास ले लेते हैं छोटा सा, जिसको हम ले लेंगे स्मॉल m एट पॉइंट P. तो इस बॉडी में कोई एक पॉइंट P है जहाँ पे मास है स्मॉल m. तो सपोज कर रहे हैं कि इसको हम सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से x दूरी पे ले रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट इनर्सिया निकालेंगे. तो I ऑफ AB, सो मोमेंट इनर्सिया ऑफ बॉडी अबाउट ए बी एक्सिस अबाउट ए बी एक्सिस इक्वल टू आई ऑफ ए बी तो बॉडी से पहले हम पार्टिकल निकाल लेते हैं. अगर हम बॉडी के लिए निकालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा, एंड देन मास, और डिस्टेंस हो जाएगा मास से एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर. तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मास का इनर्सिया निकालते हैं इस एक्सिस के अबाउट. तो मास m है, तो हम लिख सकते हैं मोमेंट इनर्सिया ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m एट p अबाउट द एक्सिस ए बी. तो पार्टिकल पी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. सो डिस्टेंस इज एक्स प्लस ए, मास इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर. तो इस पार्टिकल का मोमेंट इनर्सिया अबाउट ए बी एक्सिस होगा मास इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर. फिर जब हम होल बॉडी की इनर्सिया लिखते हैं तो यहाँ पे सिग्मा आता है, क्लियर. सो आई ए बी, जब हम पूरी बॉडी की इनर्सिया निकालेंगे तो मास हमारा टोटल निकलेगा, तो वहाँ हो जाएगा मास इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर. इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे, मास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये हो जाएगा सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस टू ए सिग्मा एम एक्स. इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन. अब नेक्स्ट हम इसी पार्टिकल की इनर्सिया निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्सिया क्या होगा, सपोज दिस इज इक्वल टू आई सी एम. सो आई सी एम इज इक्वल टू C
सिग्मा लगा लेते हैं हम, अगर पूरी बॉडी के लिए लिखेंगे तो सिग्मा आएगा, पार्टिकल वाइज लिखेंगे तो सिर्फ एम एक्स स्क्वायर होगा, और पूरी बॉडी के लिए इनर्शिया लिखेंगे तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, यानी सिग्मा एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई सी एम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई सी एम प्लस, यहाँ पे क्या है, ए हमारा फिक्स है तो समेशन केवल मास के ऊपर अप्लाई होगा, ये ए है, जो पैरेलल लाइन्स हम एक बार सपोज कर लेंगे वो बार बार चेंज होगी नहीं, तो ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और मास वेरिएबल जैसा, तो मास यहाँ बढ़ेगा तो उसके ऊपर समेशन अप्लाई होगा, और एक अदर क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है सिग्मा एम एक्स, सिग्मा एम एक्स, सो दिस इज़ द मास और ये एक्स डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, तो ये जो राशि है ये शो कर रही है मोमेंट, या अगर सिग्मा के साथ कहें तो ऑल द मोमेंट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास जो कि ज़ीरो होता है, ऑल द मोमेंट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास जो कि ज़ीरो होता है, ये केवल इसी एक्सिस के लिए अप्लाई है, किसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट उस बॉडी का जो टोटल मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास वाली लाइन बिल्कुल बीच में होती है, जितने पॉइंट्स या जितने मास का डिस्ट्रीब्यूशन इधर होगा उतने ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन इधर होता है, तो जो मास इंटू एक्स का जो मोमेंट होता है, दिस इज मास इंटू एक्स मोमेंट, इस राशि को हम बोलते हैं मोमेंट, कभी भी मास डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमें मोमेंट देता है, कन्फ्यूज़न ना हो, ये मोमेंटम है एम इंटू वी और एम इंटू एक्स मोमेंट, तो मोमेंट ऑल द मोमेंट ऑफ दिस बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज ज़ीरो, सो ये टर्म हो जाएगा ज़ीरो, यहाँ से हमें फाइनली मिलेगा आई ए बी आई सी एम प्लस ए स्क्वायर, और ये जो सिग्मा एम है ये टोटल हो जाएगा कैपिटल एम आई ए बी, तो दिस इज़ द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसमें यही था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी हम पैरेलल ही लेते हैं क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम देख रहे हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट इसके पैरेलल में एक एक्सिस खींचेंगे जो किसी डिस्टेंस पे होगा, और इस स्टेटमेंट लिखते समय हम ध्यान देंगे कि इसी डिस्टेंस को हमें यहाँ मेंशन करना है, गलती से ये डिस्टेंस ना मेंशन करें वरना गलत हो जाएगा, तो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ ए पुट कर लें और यहाँ एक्स कर लें तब हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो ये यहाँ पे याद रहे कि हमें क्या करना है ए, सो ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा डिस्टेंस ले, हम कुछ भी यहाँ मान सकते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट अपना करेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस दिखा सकते हैं, और इस थ्योरम का यूज़ काफ़ी होता है जब हम अदर एप्लीकेशंस इसके करते हैं, जैसे रॉड की इनर्शिया निकालें या फिर डिस्क के लिए या सिलेंडर के लिए, तो ये सारे थ्योरम्स काफ़ी यूज होते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और इसके साथ साथ परपेंडिकुलर भी, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी देख लेते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो इसमें हम एक प्लेन लेमिना मानते हैं, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, और ये एक तरीके से तीसरा डायमेंशन जेड, तो अगर हम इसमें कंसिडर करें कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसका मास स्मॉल एम है, और यहाँ से ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये एक्स यहाँ पे y, तो द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट दिस एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ एक्स वाई और ये तीसरा z भी, या इसी लाइंस को मान सकते हैं, ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी,
ये एक्चुअली यही लाइन इस लाइन को शो कर रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर है। तो जो हमारा ओपी है, ओपी ये लाइन एक्चुअली यहाँ पे है इस तरीके से। तो इस एक्सिस के अबाउट इनर्सिया, सो सपोज दिस इज आई जेड, सो दिस इनर्सिया इज इक्वल टू इस एक्सिस के अबाउट इनर्सिया, दैट इज आई एक्स एंड प्लस आई वाई। तो ओपी के अबाउट इनर्सिया अगर हम आई जेड माने, तो इसके इस एक्सिस के अबाउट इनर्सिया इक्वल होती है दिस एक्सिस अबाउट इनर्सिया एंड प्लस दिस एक्सिस अबाउट इनर्सिया। यानी एक तरीके से अदर जो दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उनके अबाउट इनर्सिया के सम के बराबर। यही हमारा स्टेटमेंट है, किसी प्लेन लेमिना में दो एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइंस है उसके अबाउट इनर्सिया इक्वल होती है अदर दो एक्सिस जो परपेंडिकुलर हैं उनके अबाउट इनर्सिया के सम के बराबर। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो अगर हम इस मास का इस एक्सिस के अबाउट इनर्सिया निकालें, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ये काफ़ी आसान है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ पार्टिकल सिचुएटेड एट पी ऑफ मास एम, पार्टिकल पी विच हैव द मास स्मॉल एम, विच हैज़ द मास स्मॉल एम अबाउट या अलोंग द जेड एक्सिस कह सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू आई जेड इक्वल सिग्मा, या पार्टिकल हम लिख रहे हैं तो अभी सिग्मा नहीं लगाएंगे, सिंपली एम इंटू आर स्क्वायर। और सेम इनर्सिया अगर हम अबाउट द बॉडी निकालेंगे, अबाउट द बॉडी को फिलहाल हम आई जेड नहीं लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा क्लियर आई जेड इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। सो होल बॉडी की इनर्सिया होगी इस एक्सिस के अबाउट इस मास के थ्रू सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये आर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर। अब ये टर्म शो कर रहा है सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, ये है एम और ये डिस्टेंस है हमारा एक्स। तो इसी पार्टिकल्स का इस एक्सिस के अबाउट इनर्सिया कितना हो जाएगा, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। तो ये जो इनर्सिया है वो किसके बराबर है, आई वाई, और ये वाली इनर्सिया उसी तरीके से आई एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्सिया अगर हम आई एक्स माने तो ये इक्वल होगा मास एंड दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दिस इज सिग्मा एम वाई स्क्वायर। इसी को हम सीधे लिख लेते हैं फिर, आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई, एंड दिस प्रूव्स द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो सिंपल फंडा है, तीन एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं, तो एक एक्सिस परपेंडिकुलर किसी भी सिंगल एक्सिस परपेंडिकुलर के अबाउट इनर्सिया अदर दो एक्सिस जो परपेंडिकुलर है उनकी इनर्सिया के सम के बराबर होता है। तो ये दोनों थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसके एप्लीकेशंस को हम यूज करेंगे, एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, जैसे रॉड की इनर्सिया निकालना, या फिर रेक्टेंगल की, या फिर सिलेंडर या डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो इसका हम यूज़ वहाँ पे देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।